मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में सोशल मीडिया साइट्स खोल दी गई। मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर की सर्विस बहाल होना शुरू। पीटीए के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज मुअत्तल की गई थी। पीडीएम का इस्लामाबाद में एहतजाज। जनूबी पंजाब सैली के कारकुनान और साबिक पार्लियामेंट्रियन शाहरा दस्तूर पर मौजूद। बावलपुर से खालिद वारन, अहमदपुर शरकिया से अदनान काजी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। साबिक एमपीए जाहिद अकरम भी काफिले का हिस्सा। पार्लियामेंट्रियन का कहना है कि इंसाफ लेकर ही जाएंगे, तोड़फोड़ पार्टी की तरह हमारे वर्कर्स नहीं। आइन किसी की जाति ख्वाहिशात पर नहीं चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर काफिले इस्लामाबाद रवाना। साबिक सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी मुल्तान से पीपल्स पार्टी के काफिले की क्यादत कर रहे हैं। मुल्क में अदल इंसाफ के दोहरे मियार को खत्म किया जाएगा। अली हैदर गिलानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगु। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए पुरुमीद। ऐसे साबिक सूबाई वजीर शहाबुद्दीन सेहर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। 19 मई को तलब उन पर शहरी शहबाज शहजाद के जरिए अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम है। जराय का कहना है साबिक एमपीए जाली इंतकाल करवाया। मुताफर शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू। पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए जनूबी पंजाब में रैलियां। मुल्तान में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए ताजरों की रैली। इब्राहिम खान से हिंदू बरादरी के पाक फौज के हक में रैली। सरहदों के मुहाफिजों के साथ खड़े होने का आज़्म। बहावलपुर में इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑल पार्टीज इजलास। पाक फौज के किरदार कशी करने वालों की मजम्मत। उलमा कराम का हर मुहाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। घर घर जाकर अमन का पैगाम फैलाने की जरूरत पर जोर दिया। जनूबी पंजाब के वासियों को मिलेंगी बेहतरीन तिबी सहूलियात। मुल्तान में निस्टर टू अस्पताल फेज वन का तरक्याती काम तेजी से जारी। अगले हफ्ते तक आउटडोर वार्ड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईटी सेक्शन के फाल होते ही पेपरलेस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। मैपको अस्पताल साइट से पोल बेहंगम लटकती तारों को शिफ्ट करेगा। पब्लिक सेक्टर जामियात में भर्तियों का मामला। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्तियों की इजाजत। सरकारी जामियात टीचिंग नॉन टीचिंग ओहदों पर तैनाती कर सकेंगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रहीम यार खान में जरे कॉलेज को अफरादी कुवत की कमी का सामना। इन सर्विस एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 14 सीटें तैनाती की मंजूर। डाप्टी डायरेक्टर्स की 3 सीटों में से 2 ताहाल खाली। इंस्ट्रक्टर्स की 12 में से 9 सीटों पर 3 साल से तैनाती न हो सकी। किसानों को ट्रेनिंग, तलबा को तालीम देने में मुश्किलात का सामना। मुल्तान डिवीजन में गर्दावरी मुहिम की बड़ी कामयाबी। 6,51,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी हदफ हासिल। कमिश्नर आमिर खटक ने हदफ से बढ़कर गंदम खरीदारी का हुक्म दिया। गंदम स्मगलिंग माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। उधर चौक सरवर शहीद फूड सेंटर हदफ हासिल करने में नाकाम। गंदम की बरामदगी के लिए इंतजामिया के छापे। खैबर पख्तूनख्वा को रहीम यार खान से आटे की तरसील। सेक्रेटरी खुराक की हिदायत पर 3,000 मैट्रिक टन आटा भिजवा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अपनी निगरानी में आटे से लोड ट्रक रवाना किए।
सियासी अदम इस्तेकाम से मुआशी हालात भी खराब। सनअतकारों और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत और अपोजिशन के मुतहद होने से ही हालात बेहतर होंगे। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या राशिद इकबाल की रोहित से खसूसी गुफ्तगू। तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी। जहानिया में अलादात, लोहा बाजार और जना कॉलोनी में रोड की तामीर शुरू। साफ पानी की सप्लाई के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तंसीब का काम भी जारी। नून लीग के रहनुमा अताउर रहमान का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की जरा सदारत प्रोमोशन बोर्ड का इजलास। 35 एएसआई को सब इंस्पेक्टर, 43 हेड कांस्टेबल्स एएसआई के ओहदों पर प्रमोट। अफसरान को इंफरादी कारकर्दगी, मैरिट और सीनियोरिटी की बुनियाद पर तरक्की दी गई। आरपीओ का कहना था, पुलिस अफसरान खिदमत को अपना शुआर बनाकर महकमा की नेकनामी का बाइस बने। मुलजमों को मयारी तफ्तीश के जरिए अंजाम तक पहुंचाने का आज़्म। भावलपुर में तफ्तीशी अफसरों के लिए तरबियती सेशन का अहतमाम। मुकदमा दर्ज होने से मुलजिम को सजा तक के मराहल पर तफसीली गुफ्तगू। फाइल और चालान मुरतब करने के तमाम पहलू जेरे बहस लाए गए। करप्ट अनासिर टॉप माफिया को नकेल डालने के लिए अहम इकदाम। पंजाब लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने सरगोधा में ई रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। आर्ट काउंसिल में तकरीब, मेहमान खसूसी डेप्टी कमिश्नर शुएब अली थे। ई स्टाम वेब पोर्टल से चालान का हुसूल मुमकिन होगा। वसीका की डिजिटल तरीके से सब रजिस्ट्रार को मुंतकली मुमकिन होगी। वफाकी मोहतसब मुल्तान में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। गुज़श्ता 4 माह में 5,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल। असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक 4,700 शिकायत को हल कर लिया गया। 14 रोज के अंदर शिकायत को हल कर दिया जाता है। उधर एडवाइजर वफाकी मोहतसब महमूद जावेद भट्टी की विहारी आमद। निजी कॉलेज में तुलबा से इजहार ख्याल, सवाल के जवाब दिए गए। जनूबी पंजाब में इंतजार पोलियो मुहिम जारी। 45,32,603 बच्चों को कच्चे पिलाए जाएंगे। 17,700 टीमें तश्कील दी गई। मॉनिटरिंग के इंतजाम मुकम्मल हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर महर मोहम्मद हयात लक्की रोही से खसूसी गुफ्तगू। जनूबी पंजाब में गाय, भैंस और बैल की तादाद 1,18,47,000 और भेड़ बकरियों की तादाद 1,37,23,000 से बढ़ गई। महकमा लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। गाय, बैल और बछड़े 66 लाख, भैंसे 52,48,000, 30,46,000 भेड़े और 99,17,000 बकरियां हैं, जबकि ऊंटों की तादाद 1,09,700 और घोड़े 35,930 हैं। एजुकेशन लोधरा नेक मोहम्मद शेख का सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 1 का दौरा। तदरीसी सरगर्मियों का जायजा लिया। सफाई सुथराई के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। डेंगू से बचाव बारे आगाही लेक्चर भी दिया। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान का इंटरसिटी बस टर्मिनल का दौरा। सफाई कंट्रोल रूम, वॉशरूम का मुआयना किया। सफाई की ना की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। बस अड्डे में रेडियो के दाखिले पर पाबंदी लगाने का हुक्म। सिक्योरिटी के लिए टर्मिनल के इतराफ कैमरे नस्ब करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 को गैर जरूरी कॉल्स का सिलसिला ना रुक सका। रेस्क्यू मुल्तान को एक साल में 4,24,000 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला के मुताबिक एमरजेंसी नंबर मसरूफ होने पर जानों के ज़िया का खदशा होता है।
जामिया ज़किया मुल्तान की फैकल्टीज में बड़ी तब्दीली, गिलानी लॉ कॉलेज की जगह शोबा बैंकिंग को शामिल कर लिया गया। नए डीन प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक ने चार्ज संभाल लिया। फैकल्टी में बैरूनी ममालिक के तालीम याफ्ता प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक के प्रैक्टिकल इम्तिहानात, मुल्तान बोर्ड का अहम ऐलान, प्रैक्टिकल्स मुलतवी नहीं हुए, मुकर्रा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले थ्योरी इम्तिहानात की रिवाइज प्रैक्टिकल रोल नंबर स्लिप जारी की जाएंगी। प्रैक्टिकल्स 6 जून तक जारी रहेंगे। मुल्तान में स्कूलों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए तमाम स्टॉक टेक्निक कल्चर शुरू कर दिया गया। कारकर्दगी का जायजा लेने की अपील भी तैयार। मिसाल के हवाले से रैंकिंग के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी गई। ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान के तुलबा के लिए खुशखबरी, कम फीस पर आला तालीम का हुसूल हुआ मुमकिन। बीएड प्रोग्राम 5 से बढ़ाकर 14 मजामीन तक बढ़ा दिया गया। कॉलेज में 20 पीएचडी, 40 के करीब एमफिल स्टाफ मौजूद। मुल्की हालात के पेश नजर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। क्लास 9 के बोर्ड में एनरोलमेंट की आज आखिरी तारीख। बाबलपुर बोर्ड के जरिए तमाम रजिस्ट्रेशन की तारीख में 22 मई तक तोसी। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। पंजाब सरकार का एहसन इकदाम, रहीम याफ खान के स्कूलों में बच्चों को मिलेंगी अब जदीद सहूलियात। नए क्लासरूम्स की तामीर के लिए 31,11,91,000 रुपए के फंड जारी। चारों तहसीलों में जदीद सहूलियात से आरास्ता 86 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। तामीर का काम अगले साल मुकम्मल होगा। लेडीज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट, तालिबात ने बेहतरीन खेल पेश किया। डेप्यूटी कमिश्नर खालिद परवेज कहते हैं, लैया की लड़कियों में बेपनाह सलाहियतें हैं, खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने के लिए पूरा। माँ की अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्तान में तकरीब, खवातीन की कसी तादाद में शिरकत। माँ की अजमत और माशरती किरदार बारे आगाही, बच्चों के बेहतर देखभाल के लिए खानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत को उजागर किया गया। माशरे में कुतुबीनी की दम तोड़ती रिवायत, किताब के आलमी दिन की मुनासबत से तरबियती वर्कशॉप। मेहमानी खुसूसी वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली थे। मकसद तुलबा को कुतुबीनी की अहमियत बारे बताना था। बहावलपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद 1.5 लाख नादिर कुतुब और कदीमी अखबारात को महफूज बनाने का फैसला। इल्मी और फिक्री असासे को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जरिए डिजिटलाइज किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा किया। कहा, लाइब्रेरी जिंदा कौमों की अलामत होती है, नए बजट में मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। और कुदरत गर्मी के सताए शहरियों पर मेहरबान हो गई। बादलों की जनूबी पंजाब में धड़े, सादिकाबाद, राजनपुर, रहीम खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बारिश के बाइस बिजली की फ्राहमी बंद, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।